वेलकम टू कुकिंग खबीर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रुई जैसी सॉफ्ट इडली की रेसिपी, जिसे मैंने दाल चावल वाले बैटर से ही बनाया हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली बन के रेडी हुई है। इसको बनाने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले फिर वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इस स्पॉन्जी इडली को बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके का फोमी बैटर, ठीक है, हल्का बैटर चाहिए। इसको बनाने का पूरा तरीका मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, जहां मैंने एक बैटर से तीन बैटर बनाया हुआ था, इडली, डोसा और अप्पम का बैटर। तो इन शॉर्ट मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि इस इडली का बैटर हमको कैसे बनाना है। बैटर को बनाने के लिए आपने लेना है रेगुलर यूज़ होने वाला चावल, जो भी आपके यहाँ यूज़ होता है, बासमती राइस नहीं लेना है, और उड़द की दाल लेना है। इन दोनों के रेशियो आपने 2:1/2 रखना है, ठीक है। 2 कप लेना है चावल और आधा कप लेना है उड़द दाल, और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेथी के दाने। इन तीनों चीज़ों को हमने बोल में डालना है और बहुत ही अच्छे से पहले इसको वॉश कर लेंगे और इसको 2 कप पानी डालकर भिगो देंगे। इतना पानी होना चाहिए कि जो आपका दाल चावल है वो पूरा अच्छे से भीगा हो और उसके ऊपर भी अच्छा खासा पानी होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हमने ओवरनाइट भिगो के रखना है, या फिर आप इसको 8 से 10 घंटे तक भिगो सकते हैं, ठीक। ओवरनाइट भिगोने के बाद दाल चावल अच्छे से फूल गया है, इसको हमने मिक्सिंग जार में डालना है और आधा कप पानी डालेंगे जिसमें हमने इन दाल चावल को भिगाया हुआ था उसी को। अब इसको हमने फाइन पेस्ट बनाना है इस तरीके से, और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि इसका पेस्ट जो है वो इस तरीके से गाढ़ा है और इसकी जो टेक्स्चर है वो देखिए इस तरीके से दानेदार होगा, ठीक है। बस फिर अब हमने इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। फिर इसको कवर करके हमने 10-12 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखना है। अगर आप गर्मी में बना रहे हो तो ये 8 से 10 घंटे के अंदर ही फर्मेंट हो जाएगा, और ठंडी में बना रहे हैं तो वो 10 से 12 घंटे भी ले सकता है, ठीक है। बस फिर अब हमने इसको साइड में रख देना है, और अब 10 घंटे के बाद आप देखो कि ये बैटर जो है वो बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गया है ना, बिल्कुल जाली जालीदार अंदर हो गया है। अब इस बैटर को थोड़ा सा चला दें, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से चला के इसमें मिक्स कर देना है। तो बहुत सारे लोग इस फर्मेंटेड बैटर से ही इडली बनाते हैं, पर अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो और अगर आपको बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट इडली चाहिए, तो उसके लिए आप इस 1 कप फर्मेंटेड बैटर के अंदर 1/4 टी स्पून इनो डाल देना। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे तो इससे क्या होगा कि देखो ये बैटर इस तरीके से फोमी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा, और आपकी जो इडली है वो 100% सॉफ्ट और रुई जैसी बनेगी। अब आता है इस रेसिपी का मेन स्टेप, जहाँ पर हमने इडली को स्टीम पर पकाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टील का इडली मोल्ड लिया हुआ है, इसको हमने ऑयल से अच्छे से ब्रश करना है। और यहाँ पर आप देखो कि जो मैंने मोल्ड लिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितनी स्पेस इसके नीचे है उतना ही हमारी इडली फूलेगी, ठीक है। अगर आपकी जो इडली मोल्ड है वो बहुत ज़्यादा गहरा है तो उतना ही आपकी इडली ऊपर भी पक के आएगी, ठीक है। अब इस मोल्ड के अंदर हमने इडली वाले बैटर को थोड़ा थोड़ा डालना है, और इस मोल्ड को थोड़ा डैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए, ठीक है। अब मैं आपको इस इडली को परफेक्ट तरीके से स्टीम करना बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गर्म कर लिया हुआ है। 1 कढ़ाई जो है वो बिल्कुल इस प्लेट के साइज़ की है, और 1 कढ़ाई जो है वो थोड़ी बड़ी है, ठीक है। इसके अंदर हमने इस मोल्ड को प्लेस करना है, और अब यहाँ पर आप देखो कि इस छोटी वाली कढ़ाई में परफेक्टली स्टीमिंग होगी, क्योंकि इसमें कहीं से एक्सेस स्टीम जो भाप है वो नहीं आएगी, लेकिन जो बड़ी वाली उसके अंदर इस छेद में से भी स्टीम आएगी और बाकी चारों तरफ से भी स्टीम आएगी। अब इसको जो है मैं कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। 10 मिनट के अंदर ही देखें कि इडली जो है वो फूल गई है, छोटे वाली कढ़ाई की भी और बड़ी वाली कढ़ाई की भी। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, उसके बाद इसके कवर को हटाएंगे और इडली को चेक करेंगे कि अच्छे से पकी है कि नहीं। उसके लिए आपने टूथपिक को इसके अंदर डालना है। टूथपिक इस तरीके से क्लियर आ रही है, मतलब ये है कि इडली जो है वो अच्छे से पक चुकी है, ठीक है। अब इस इडली को जो है हमने कढ़ाई में से निकालना है और रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करना है। 5 मिनट के अंदर ही जो है वो इडली ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे।
यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमने बड़ी वाली कढ़ाई में स्टीम किया हुआ था वो, और इसको जब मैं निकाली हूँ देखो ये है बिल्कुल मतलब जैसे सिलिकॉन जैसी लग रही है ना, और ये जब निकलेगी तो इस तरीके से बिल्कुल क्लियर निकलेगी जैसे शाइन करती हुई। तो ये क्या होगा, ये थोड़ी सी रबरी टाइप की हो गई है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम में पकी हुई है इस वजह से। और अब यहाँ पर आप दूसरी वाली इडली को देखो जिसको हमने परफेक्टली स्टीम में पकाया हुआ है छोटी कढ़ाई में, उसका टेक्सचर देखो कि ये इस तरीके से निकलेगी, ये बिल्कुल रबरी जैसी नहीं है। और जब आप ये नीचे से देखो कि इसमें इस तरीके से महीन महीन दाने जैसे बने हैं, ये प्रूफ है कि आपकी जो इडली है वो अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है। तो आपने बाकी सारी इडलियों को भी इसी तरीके से चम्मच की मदद से इसको निकालना है। और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें ये इडली बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बिल्कुल रुई जैसी बनी हुई है। और दूसरी तरफ आप इस इडली को देखें कि ये इडली फूली तो है पर अंदर से सॉफ्ट नहीं बनी हुई है, ठीक है, बिल्कुल रबरी जैसी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टीम में पकी हुई है। तो आप जब भी इडली बनाओ तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान देना है कि आप उसको प्रॉपर बर्तन में बनाएं ताकि उसके अंदर एक्सेस स्टीम ना जाए, ठीक है, प्रॉपर स्टीम के अंदर बनाएं तभी आपकी इडली जो है वो परफेक्ट बनेगी इस तरीके से। तो आप भी एक बार इस तरीके से इडली बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।